आज का टॉपिक है मेडिटेशन। मेडिटेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें कोई चलने के लिए कहे, नाचने के लिए कहे या घूमने के लिए ही कहे, तो हम घंटों तक यह काम कर सकते हैं। और वहीं हमें यह काम 10 मिनट आँख बंद कर कोई स्थिर बैठने को कहे, तो वह बैठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि इसका हमें अभ्यास नहीं है। इसका हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन लगानी पड़ेगी। तो यह वीडियो इस बारे में है कि आप किस प्रकार अपने जीवन में मेडिटेशन को लाकर, ध्यान को लाकर किस प्रकार अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिजिकली फिट रखने के लिए योगा या एक्सरसाइज करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए और अपने मन को शांत रखने के लिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करनी ज़रूरी है। हम जब भी एक जगह पर बैठने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। एक दिन में हमारे मन में कम से कम 70 या 80 हज़ार विचार आते हैं। यह सारे विचार हमें खींचकर या तो पास्ट में ले जाते हैं कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी ने ऐसा किया था, मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ था, हम यही सोचते रहते हैं। यहाँ यह सारे विचार हमें खींचकर फ्यूचर में ले जाते हैं कि आगे मुझे भविष्य में ऐसा करना है, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसे बिजनेस सेट करना है, मुझे ऐसे सक्सेस होऊंगा। हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन को, जो हमारी प्रेजेंट आज चल रहा है, उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम इंजॉय नहीं करते हैं। यह विचार हम बहुत कम करते हैं कि हम जिस प्रेजेंट में रह रहे हैं उसमें हमें कैसे अपने आप को खुश रखना है। तो उसमें आपकी हेल्प मेडिटेशन कर सकती है। आपके विचारों में जो अटैचमेंट है, नकारात्मक सोच और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको दूर कर सकती है। मेडिटेशन मेनली हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, मन को स्वस्थ रखता है और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है। हमारा ब्रेन जो है इतना रिलैक्स्ड हो जाता है कि हम जितने भी अपने रोज़मर्रा के काम हैं उनको और अच्छे से कर पाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। महापुरुषों ने तो ध्यान के कई तरीके बताए हैं। अगली वीडियो पर इन पर प्रकाश डालेंगे और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।